नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया के खास शो में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त रूस यूक्रेन जंग पर बनी हुई है, लेकिन वही दूसरी तरफ एक ऐसी खूनी जंग हो रही है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान की ये जंग इतनी भीषण हो चुकी है कि अमेरिका भी अर्मेनिया की तरफ से जंग में कूद पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने साफ कहा है कि अगर अजरबैजान पर अमेरिका और अर्मेनिया ने मिलकर हमला किया तो फिर रूस किसी को भी छोड़ेगा नहीं। डाला आर्मेनिया, जंग में उतरा अमेरिका। इस वक्त अजरबैजान की स्पेशल फोर्स कमांडो बटालियन, टैंक, टोप और रॉकेट फोर्स ने पूरे नागोन काराबाख में भयानक कत्लेआम मचा रखा है। रूस की चुप्पी से ये हालत हो गए हैं कि ईसाई देश आर्मेनिया इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। इधर मरते पिटते और भागते आर्मेनिया की दुर्दशा देखकर अब खुद अमेरिका जंग में कूद पड़ा है। ८० प्रतिशत जीता अजरबैजान, 4,000 वर्ग किलोमीटर में खूनी गदर। हम आपको पूरी डिटेल के साथ खबर दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे 24 घंटे के अंदर अजरबैजान ने 4,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भाग रहे हैं 1,20,000 नागोन काराबाख में नरसंहार। 4,400 किलोमीटर में फैला नागोन काराबाख का इलाका इस वक्त भीषण जंग की चपेट में है। अमेरिका को भी एहसास हो चुका है कि अजरबैजान नागोन काराबाख में रहने वाले ईसाइयों का पूरी तरह से सफाया कर सकता है। अजरबैजान में ज्यादातर आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है। यही वजह है कि अजरबैजान एक धर्म निरपेक्ष देश होने के बावजूद नागोन काराबाख में ईसाइयों का भरोसा जीत नहीं पा रहा है। नागोन काराबाख की ईसाई आबादी आर्मेनिया को अपना देश मानती है, जबकि जमीन पर कब्जा अजरबैजान का है। अब ऐसे हालात में हारते और मरते आर्मेनिया को बचाने के लिए अमेरिका कूद पड़ा है, क्योंकि रूस ने अंदर ही अंदर अजरबैजान के भीषण हमले को हरी झंडी दे रखी है। इसीलिए अब अमेरिका जबरदस्त हथियारों के साथ आर्मेनिया का साथ देने लगा है। जरा देखिए अमेरिका कैसे आर्मेनिया का जंग में साथ दे रहा है। रौंद डाला आर्मेनिया, जंग में उतरा अमेरिका। अजरबैजान से खतरे का सामना कर रहे आर्मेनिया को बचाने के लिए अब खुलकर अमेरिका आ गया है। अमेरिकी सेना ने आर्मेनिया की सेना के साथ ईगल पार्टनर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। लगभग 175 आर्मेनिया के टॉप कमांडर और सैनिकों को अमेरिका ने ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेना के 85 सैनिक इस वक्त आर्मेनिया में मौजूद हैं। अमेरिकी सैनिक पहली ब्रिगेड, 101वीं एयरबोर्न डिवीजन और कैंसस नेशनल गार्ड की सेना आर्मेनिया पहुंच चुकी है। आर्मेनिया के 12वीं शांति सेना ब्रिगेड के सैनिक अमेरिकी सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ८० प्रतिशत जीता अजरबैजान, 4,000 वर्ग किलोमीटर में खूनी गदर। आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में मौजूद एक पहाड़ी देश है जो चारों तरफ जमीन से घिरा है। नागोन काराबाख में रहने वाले ज्यादातर ईसाई आर्मेनिया से जुड़े हुए हैं।
जबकि नागोन काराबाख के इलाके पर अजरबैजान का कब्जा है। अजरबैजान जिस स्तर पर खूनी गदर नागोन काराबाख में कर रहा है वो वाकई हैरान करने वाला है। अजरबैजान ने 19 सितंबर 2023 को नागोन काराबाख पर हमला शुरू किया था। इस हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए थे, लेकिन अजरबैजान ने अचानक नागोन काराबाख पर हमला कर दिया। असल में अजरबैजान इस वक्त हर लिहाज से आर्मेनिया की सेना पर भारी साबित हो रहा है, लेकिन आर्मेनिया के साथ अमेरिका के आने से अब बाजी पलट सकती है। रूस भी आर्मेनिया को अमेरिकी सेना के साथ देखकर बौखला गया है। रोम डाला आर्मेनिया, जंग में उतरा अमेरिका। रूस ने आर्मेनिया में अमेरिका की सेना को लेकर सीधी चेतावनी दी है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा है कि आर्मेनिया अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास इस इलाके में स्थितियां खराब कर देंगे। आर्मेनिया को अभी तक रूस का करीबी माना जाता था और अपनी रक्षा के लिए मॉस्को पर ही निर्भर था, लेकिन 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद ही आर्मेनिया का भरोसा रूस से उठ गया था, इसलिए अब आर्मेनिया अमेरिका के पाले में चला गया है। दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान को कैसे हराया जाए, इसकी पूरी ट्रेनिंग और मिलिट्री ऑपरेशन में अब अमेरिका आर्मेनिया का खुलकर साथ दे रहा है। भाग रहे हैं 1,20,000, नागोन काराबाख में नरसंहार। क्योंकि अजरबैजान को तुर्की, पाकिस्तान और कहीं ना कहीं रूस का साथ मिल रहा है। अजरबैजान को सबसे ज्यादा साथ तुर्की से मिल रहा है। अजरबैजान और तुर्की काफी पुराने देश हैं। नागोर्नो काराबाख पर जंग के दौरान अजरबैजान ने तुर्की के हथियारों का जबरदस्त इस्तेमाल किया, इसी कारण अजरबैजान और आर्मेनिया सेना और समर्थकों को हराने में आसानी हुई थी। अजरबैजान और तुर्की के हथियारों ने मिलकर नागोर्नो काराबाख के लाखों लोगों को भागने और मरने के लिए मजबूर कर दिया। अजरबैजान के हमले के बाद से नागोर्नो काराबाख की 80% आबादी घर छोड़कर आर्मेनिया पलायन कर चुकी है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के प्रेस सचिव नाज़ेली बगदासारियान ने दावा किया है कि नागोर्नो काराबाख से अब तक 1,417 लोग आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। नागोर्नो काराबाख की आबादी लगभग 1,20,000 थी। अजरबैजान ने पिछले हफ्ते सैन्य हमले के बाद इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। पिछले एक हफ्ते के दौरान कुल 21,043 वाहन हकरी पुल को पार कर आर्मेनिया पहुंचे हैं, जिसमें ईसाई शरणार्थी भरे हुए हैं। ये पुल आर्मेनिया को नागोर्नो काराबाख से जोड़ता है। नागोर्नो काराबाख के ज्यादातर लोग अजरबैजान में नहीं रहना चाहते, इसलिए वो आर्मेनिया भाग रहे हैं। हालांकि अजरबैजान का कहना है कि वो नागोर्नो काराबाख में रहने वालों की सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन नागोर्नो काराबाख के ईसाइयों को रत्ती भर अजरबैजान पर भरोसा नहीं है। नागोर्नो काराबाख से आर्मेनियाई लोगों की पलायन पर रिपोर्टिंग करने वाले एक स्वतंत्र पत्रकार सिरनोक सरगस्यान ने रॉयटर्स को बताया कि हजारों लोग अपने सामानों को कारों, ट्रकों और ट्रैक्टरों में भरकर आर्मेनिया की ओर जाने वाले पहाड़ी राजमार्ग पर फंस गए थे। सरगस्यान के मुताबिक कई लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। पलायन करने वाले आर्मेनियाई बुरी तरह से थके हुए हैं। ऐसे लोग अगले 24 घंटे में भी आर्मेनिया के बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाएंगे। As you can see, we still stuck in a road. This exodus is unbearable, not only because of psychologically, as many people here, they are becoming refugee already third time in their life. But this exodus, it's also unbearable. Just literally physically, because we already 60 hours spent in this road, and we still pass
approximately 28 kilometer. 80% जीता अजरबैजान, 4000 वर्ग किलोमीटर में खूनी कदर। नागोर्नो काराबाग क्षेत्र आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 3 दशकों में 2 युद्धों का कारण बना है। अब सवाल उठता है कि क्या रूस यूक्रेन जंग के बाद अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग पूरे इलाके में खूनी गदर शुरू कर देगी? डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अब दुनिया के कुछ देश अजरबैजान और कुछ आर्मेनिया के पक्ष में खड़े होना शुरू हो चुके हैं। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने काराबाख में अजरबैजान के हमले पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर बातचीत कर ली है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच नागोर्नो काराबाख के ताजा हालात पर चर्चा हुई। भारत और आर्मेनिया लंबे समय से दोस्त हैं। ऐसे में आर्मेनिया की हार को भारत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आर्मेनिया ने हाल के कुछ वर्षों में भारत से बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद की है, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लेकर 155 mm के TC-40 होवित्ज़र भी शामिल है। हालांकि आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान के आक्रमण के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। रौन डाला आर्मेनिया, जंग में उतरा अमेरिका। միջազգային տարբեր խաղացողների կողմից լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող էթնիկ զտումները դատապարտող հայտարարությունները կարևոր են, բայց եթե դրան չհետևեն կոնկրետ գործողություններ, այդ հայտարարությունները ընդամենը պատմության համար բարոյական վիճակագրություն ստեղծելու շարքում կդիտվեն։ नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान की जीत को तुर्की और पाकिस्तान से भी जोड़ा जा रहा है। पिछले हफ्ते अजरबैजान ने तुर्की के समर्थन से नागोर्नो काराबाख एन्क्लेव पर आक्रमण किया था। नागोर्नो काराबाख को अटार्क गणराज्य भी कहा जाता है, जहां आर्मेनियन मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अजरबैजान के कब्जे के बाद से नागोर्नो काराबाख की सरकार को भंग कर दिया गया है और वहां की सेना ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। ऐसे हालात में नागोर्नो काराबाख के नागरिकों के सामने आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका आर्मेनिया को बचाने के लिए कूद पड़ा है, उससे साफ हो गया है कि अजरबैजान रूस के दम पर नए सिरे से हमले आर्मेनिया पर कर सकता है। लेकिन इस बार आर्मेनिया अमेरिका के दम पर अजरबैजान को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में जुट गया है।